बदलते भारत की शान। डीडी किसान की ओर से चलाई जा रही किसान यात्रा इन दिनों वीरों की भूमि राजस्थान के रेगिस्तान में है। रेत के धोरों पर हमारे अन्नदाता सोना उगा रहे हैं, चाहे वो अनार, नींबू, आम, जामुन की खेती हो या फिर कोई सब्जी। बाड़मेर का किसान कृषि क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहा है। आज हमारी यात्रा बाड़मेर के कुछ और गांव की ओर पहुंचने वाली है। आप देखेंगे कि कैसे कभी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते बाड़मेर के गांव की सूरत ही बदल गई है। कभी मीलों तक पेड़ पौधे नजर नहीं आते थे, लेकिन आज जहां देखो हरियाली ही हरियाली नजर आती है। और ये कमाल हुआ है किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से। किसानों ने रेगिस्तान को इतना उपजाऊ कैसे बना दिया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब इस यात्रा में मिलने वाले हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सरहदी बाड़मेर का आलपुरा गांव। गांव में हमें सबसे पहले यह भव्य मंदिर दिखा, तो हमने सोचा क्यों ना पहले भगवान के दर्शन कर यात्रा का श्री गणेश किया जाए। वीरों की धरती, देवताओं की धरती, कहते हैं कि संस्कारों वाली धरती। राजस्थान का खानपान, राजस्थान का पहनावा और राजस्थान की मीठी भाषा हर कोई जानता है। नमस्कार, बहुत स्वागत डीडी किसान, देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। कहते हैं किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। हमने सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं और आज बाड़मेर की धरा से देखते हैं आलम जी की कृपा कितनी बरसी है, इन पर कितना विकास हुआ है और किसान किस तरह से खेती बाड़ी में तरक्की कर रहा है। तो चलिए बाबा का जयकारा बोलते हुए यहीं से शुरुआत करते हैं किसान यात्रा की। आलम जी महाराज मंदिर में दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ी तो हमें कुछ महिलाएं अपने पशुओं की सेवा करते हुए दिखी। महिलाएं अपने परंपरागत राजस्थानी परिधान में थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिर पर पशुओं के लिए चारा लेकर जाती हुई इस बुजुर्ग महिला की उम्र सुनकर चौंक जाएंगे। इतनी फुर्ती के साथ काम करती इस महिला की उम्र करीब 75 साल है और इस उम्र में भी खेती किसानी और पशुओं की देखभाल अच्छे से कर लेती हैं। कहीं ना कहीं ये राजस्थानी खान पान शुद्ध हवा पानी का कमाल है। गांव के लोगों ने बताया कि मरुधारा की इस धरती पर लगभग सभी लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। उनका कहना है कि बीते कुछ सालों में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों की मदद से उनकी फसल की उपज बढ़ रही है और खेती करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। किसान यात्रा गांव गांव घर घर पहुंच रही है, बाड़मेर में है, आलपुरा गांव में पहुंच गई है। ऐसे आज कई गांव आपको इस जर्नी में देखने को मिलेंगे। किसान भाई के घर हूँ और जानते हैं कितना विकास इन किसानों का धोरों की धरती में हुआ है। राम राम। राम राम राधिका जी, नमस्ते। मैं बोहरा राम सियोड़, ग्राम आलपुरा, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर का निवासी हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी से जुड़ा हूँ। जब से ये कृषि विज्ञान केंद्र आया है तो हमारे को उधर उधर से मालूम पड़ा कि ये खेती के लिए अच्छा है, तो उसके बाद जुड़ने के बाद में हमने बहुत सीखा है। पहले हमारे क्या करते हैं आप? मैं जीरा करता हूँ, इसब करता हूँ, प्याज करता हूँ, मेथी, गेहूँ, रजका बाजरी वगैरह सब, मतलब लगभग तकरीबन काफ़ी फसलें हम ले रहे हैं। और खरीफ में बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार सभी ले रहे हैं जी। अच्छा, मैंने देखा किचन गार्डनिंग भी यहाँ पर हो रही है, पशुओं के लिए घास भी तैयार हो रही है। क्या क्या है? पशुओं के लिए नेपियर घास है, रजका बाजरी है और नेपियर घास है और ले रहे हैं। पशुपालन भी करते हैं? बिल्कुल, पशुपालन भी। देखो आप, अच्छे ब्रीड की गाय है, भैंस है, बढ़िया नस्ल की है और अच्छा दूध भी देती है। तो ये भी व्यापार के लिए है? दूध पारिवारिक और दूध उत्पादन के लिए डेयरी पर दूध भी देते हैं। अच्छा, हाँ। आपने कहा कि नेपियर घास लगाते हैं, किचन गार्डनिंग हो गया है, और किचन गार्डनिंग में क्या क्या है? फिलहाल किचन गार्डनिंग में ग्वार है,
बाकी ककड़ी भी लगाना है, अभी लगाया नहीं है। अच्छा, मैं देखती हूँ किसानों को ना बीज की बहुत जरूरत होती है, कहते हैं कि अच्छे बीज होते हैं तो खेती अच्छी होती है, तो यहाँ कैसे बीज कैसे कहाँ से लेकर आते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने के बाद में मैंने बीज, कई फसलों के ऐसे बीज होते हैं जो अपने नहीं होते, हाइब्रिड नहीं होते हैं, तो वो किस्म अच्छा बीज किस्म एक बार ला के बाद में घर पर ही तैयार करके मैं 4-5 साल से बीज लाता ही नहीं हूँ। घर का ही बीज जैसे जीरे का है, GC4 है, ईसब का है, तो वो बीज लाने की जरूरत नहीं, घर का ही बीज दोबारा बोते हैं और थोड़ा बहुत अपने किस क्वालिटी में फर्क आता है तो फिर दोबारा बीज अच्छे खेत का ला के वही कर देते हैं और अच्छा उत्पन्न भी होता है। अच्छा, जब जानकारी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए नहीं थे, तो पहले की और आज की स्थिति में कितना बदला? देखो, पहले तो वो पुराने डरे से करते थे तो बराबर नहीं होता था, अब जुड़ने के बाद में नई नई तकनीकी आ गई, उस तकनीक का उपयोग करते हैं, स्प्रे के लिए माउंटेन स्प्रे आ गया तो उसका उपयोग करते हैं, और अभी ड्रोन आ रहा है तो उसका भी आगे चल के उपयोग करेंगे। जो नई नई तकनीकें आने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र हमारे को ट्रेनिंग कराता है और उनको बराबर कैसे यूज़ करना वो सिखाता है, तो उसके बाद में हम भी खेतों में करते हैं तो एक तो लेबर भी कॉस्ट में भी कमी आती है और बाकी यह सुविधा भी बढ़ रही है जी। तो विकास की तस्वीर साफ यहाँ पर ये हो जाती है कि आप इतने प्रकार की खेती कर रहे हैं तो एक में नुकसान हो जाए तो दूसरे में फायदा हो जाता है। आसपास मार्केट कनेक्टिविटी सब बढ़िया है? हाँ, कनेक्टिविटी बढ़िया है। तो देखिए, किसान यात्रा में हम आज के यहाँ के किसान को सुन रहे थे, किसान किस तरह से खेती कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और भी किसानों के गांव चलेंगे, आपको बताते हैं किसान यात्रा के जरिए किसान किस तरह से खेती से जुड़कर तरक्की की तस्वीर बन रहा है। गांव में हमें अनार, प्याज, खजूर, पशुओं के लिए नेपियर घास की हरी भरी खेती देखने को मिली। रेगिस्तान में भी हरियाली, यही है आज का बाड़मेर। कृषि क्षेत्र में बाड़मेर के किसानों ने क्रांति ला दी है। किसानों ने बताया कि वो अपनी फसल जैविक खेती के सहारे ही तैयार करते हैं। उन्हें पता है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले नुकसान और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती ही एकमात्र बेहतर विकल्प है। पशुओं के लिए उगाए गए नेपियर घास की विशेषता बताते हुए इस किसान को सुनिए। ये नेपियर घास बहुत पौष्टिक, पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है और एक बार लगाने के बाद में ये 7-8 तक चलती है, नहीं तो दूसरा जैसे रजगा वगैरह लगाते तो वो बार बार, हर साल में बार बार बुआई करना पड़ता है, और एक ये तो एक बार लगाने के बाद में 7-8 तक चलती है और एक ही बूंठे के अंदर कम से कम 10-12 किलो वजन रहता है इनका। कैसे इसे काट के खिलाते हैं या फिर इसका वो चारा बनाते हैं, क्या करते हैं? इसको काट कर चार काटर से कुतर करके सूखे सारे में मिला के खिलाया जाता है पशुओं को। तो इससे क्या है कि हरा, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, तो गायों के लिए हरा चारे की जो पूर्ति कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये 12-मासी घास है, वो आती रहती है, हर 3 महीने में कटिंग होती है, सरकार बीघा बोते हैं तो फिर एक पशुओं के लिए 2-3-4-5 पशुओं के लिए वो यही चलती है बस। हमने सरहदी बाड़मेर के बारे में जितना सुना था, जितना पढ़ा था, वैसा अब कुछ नहीं है। बाड़मेर में अब रेत की धूल नहीं, लहलहाती फसलें नजर आती हैं। बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था होने से किसानों की दशा बदल चुकी है। खैर, अब हम रेगिस्तान के किसी और गांव में जाने के लिए तैयार हैं और हमारा अगला पड़ाव है बांटा गांव। बांटा गांव पहुंचते ही किसानों ने हमारा अभिवादन किया। इस गांव में भी लहलहाते खेत दिखे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम रेगिस्तान की धरती पर मौजूद हैं। देखते ही देखते काफी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। किसानों ने बताया कि कभी बाड़मेर की धरती पर अकाल जैसी स्थिति हुआ करती थी, लेकिन बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के मिलने से बाड़मेर और यहाँ के लोगों की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। पानी की समस्या खत्म होने से उनकी रेतीली भूमि सोना उगल रही है। फल सब्जियों के अलावा बाड़मेर के किसानों की जीरे ने जिंदगी बदल दी है। बता दें कि जीरा उत्पादकों में बाड़मेर अव्वल जिलों में से एक है। यहाँ करीब 2 लाख हेक्टेयर में जीरा बोया जाता है, जो करीब 8 लाख क्विंटल होता है। अनुमान के मुताबिक अरबों रुपए का जीरा बाड़मेर में होता है। खुद किसानों से सुनिए कि कैसे कृषि क्षेत्र में हुए बदलाव से उनकी जिंदगी बदल रही है।
तो भारत की किसान यात्रा बाड़मेर के अलग अलग गांव में चल रही है। ऐसे में एक और गांव पहुंच गए हैं, गांव का नाम है धीमड़ी और हमें यहां पर किसान भाई काम करते हुए मिल गए हैं। देखिए किसान खेतों में काम करते हुए चेहरे पर मुस्कान, सर पर पगड़ी और मूंछों पर ताव इसलिए हो जाता है क्योंकि बाड़मेर की धरा पर आपको हरियाली दिख रही है। इतनी हरियाली मैंने आज तक नहीं देखी है जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही है। आपसे पहले पूछूंगी राम राम। राम राम जी, राम राम। पहले तो सबको राम राम। राम राम जी, सबको राम राम। क्या नाम है आपका? दुर्ग सिंह जी। अच्छा दुर्ग सिंह जी, यहाँ से गुजर रही थी हाईवे से तो कहा कि हमारे सारे किसान इतने प्रोग्रेसिव हैं, आप दुर्ग सिंह जी के फार्म पर जाइए। तो आप जैसे सारे किसान ही जीरे की खेती करते हैं? सारे किसान करते हैं, जीरे की करते हैं, रायडे की करते हैं, सब खेती करते हैं। बहुत अच्छी पैदावार है और आगे बढ़ रहा है हमारा देश। अच्छा विकास है, सब कुछ अच्छा है, सब है। अच्छा देश का विकास हो रहा है, किसानों का हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसानों का भी हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा है ना। अच्छा क्या हो रहा है किसानों का? मुझे तो आज भी वही लग रहा है, ऐसा क्या परिवर्तन? भाई जीरे में फायदा है, सब कुछ है, रायडे में है, पैदावार अच्छा है, भाव भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, खेती अच्छी हो रही है। ऐसा जीरे में आपने क्या किया क्योंकि जीरा तो यहाँ से सदा से होता आया है, आपने परिवर्तन क्या किया? हमने परिवर्तन किया, ये थोड़ा जैविक खाद हम डाल रहे हैं, वो परिवर्तन हुआ है। अब वो दूसरी जो केमिकल खाद वो हम कम दे रहे हैं और इस पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, जैविक पे ज़्यादा दे रहे हैं, उसके से बढ़ावा ज़्यादा हो रहा है। जीरे में है, गेहूँ में है, रायडा में है, सरसों में है, सब में बढ़ावा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा किसानों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, बिजली बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें हैं कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। मिल रही है बराबर पानी? हाँ बराबर मिल रहा है। पानी कहाँ से आता है? पानी तो ये नर्मदा नहर का आता है। मतलब नर्मदा नहर के किनारे ये बसा हुआ गाँव है तो पानी की समस्या जड़ से खत्म हो गई है। हाँ जी। और बिजली? बिजली भी आती है, फुल आती है लाइट। और कनेक्टिविटी सड़क है कि नहीं? है, बिल्कुल सड़क है। और स्कूल की सुविधा? स्कूल की भी सुविधा है, मतलब सब कुछ है। इसी के साथ और भी हमारे किसान भाई आपसे पूछूंगी जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? खेमा राम। अच्छा खेमा राम जी, खेमा राम जी आप कौन सी खेती करते हैं? जी राई सब अरंडी। पहले जो खेती करते थे और आज खेती करते हैं, दोनों में फर्क क्या, बदलाव क्या? अब थोड़ी निकाला अच्छा निकलता है, जीरा अच्छा होता है, इसमें भी अच्छा होता है। इसमें थोड़ी दिक्कत थी उतड़का वाली, वो अब सही हो गई। जो समस्याएं होती थी पहले, यहाँ पानी की समस्या मैंने सदा से सुनी कि बाड़मेर मत जाना, पानी नहीं मिलेगा पीने को, वहाँ पर सड़कें नहीं है। अब पहले पानी यहाँ खारा था, नहर आने के बाद में यहाँ पानी मीठा है, तो नहर का सीधा फायदा मिल रहा है। सीधा फायदा मिल रहा है। आप भी नर्मदा नहर से जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए। सीधा पानी खेतों में मिल रहा है? मिल रहा है खेतों में। अच्छा खेतों में कोई और समस्या? खेतों में और कोई समस्या नहीं, खेती बाड़ी अच्छी हो रही, मीठा पानी आया है नहर का, उससे विकास बहुत अच्छा हो रहा है। पानी की समस्या अब कम है, पहले पानी की समस्या थी, खारा पानी था, अब नहर के बाद में खेती पैदावार भी अच्छी होती है। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, पहले के मुकाबले, पहले मतलब कुछ समय हम पहले आते हैं तो ऐसा बाड़मेर नहीं था और आज देख रहे हैं तो बाड़मेर की खेती तो बदल गई, लोग भी बदल गए, ऐसा कैसे हुआ? परिवर्तन हुआ है, अभी ये नहर के हिसाब से हुआ है, पानी मिल गया, लाइट मिल गया, किसान को यही चाहिए। और शिक्षा में, तो शिक्षा में पूरा पढ़ाई मिलता है, टीचर वगैरह अच्छा है और किसानों की आय भी दुगनी हो रही है अभी और अच्छा बेनिफिट मिल रहा है सबको। जी समझ ले, विकास हो रहा है किसानों का? विकास हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र आपके से कितना दूर है? 7-8 किलोमीटर है, गुड़मालानी। अधिकारियों का कभी मिलना होता है, मुलाकात? मीटिंग भी वगैरह होता है तो हम जाते हैं वहाँ पे, बुलाते हैं हमको, वहाँ पे जाते हैं, हमने को सीखने को भी मिलता है, खेती की नॉलेज हर चीज अच्छा है। देखिए बाड़मेर की धरती पर अगर 7-8 किलोमीटर के पास में ही अगर आपका कृषि विज्ञान केंद्र है तो मदद मिल जाती। बाबा राम राम। राम राम। बाबा खेती कैसी है? खेती बढ़िया है। खेती बढ़िया है। इस समय हरियाली नजर आ रही है मुझे क्योंकि बारिश तो इस समय होती नहीं है, तो ये हरियाली कैसे? नर्मदा नहर का पानी आ रहा है। अच्छा अच्छा उसको पावा हरियाली होता है। साल में कितनी खेती लेते हो? साल में तो दो बराड़ा रही ना सियाड़ा में। आप साल में कितनी खेती लेते हो? दो दो दो। और पहले कितनी लेते थे? पहले एक। और बारिश पर निर्भर? बारिश माफ है, अगर वो नहीं होती तो फिर तो पानी आता पा लेते, बारिश पक जाती। अच्छा क्या कह रहे हैं अकाल? ये पहले अकाल पड़ता है इसलिए परेशानी होती, पानी आने के बाद में हमारा ये सुविधा हो गई पानी की, लाइट की भी सुविधा हो गई, किसान खुद सक्षम हो गए पानी के लिए आने से। तो ये जो अकाल शब्द है अब खत्म हो गया? अकाल अभी खत्म हो गया, पानी की वजह कभी अकाल हो जाता है, बारिश नहीं होती है तो खुद किसान इस पानी से आपका कर लेते हैं, सारा है बीजा है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब हो गया कि बारिश हो रही है तो खेती एक और हो जाती है, बारिश हो या ना हो हमें उसका इंतजार नहीं है क्योंकि पानी यहाँ पर बह रहा है और यह पानी नर्मदा नदी का किसानों के खेत खेत में पहुँच रहा है, घर घर पहुँच रहा है। पीने की पानी की कोई समस्या? कुछ नहीं समझा, कोई समस्या। पानी बहुत है पीने का? बहुत बढ़िया। अच्छा आपको पता है शहर वाले कहते हैं कि धोरों की धरती में मत जाना, धोरों पे मत जाना क्योंकि वहाँ पीने का पानी नहीं है, ऐसा है? नहीं है, अभेरा है, बात है।
और नहर का पानी आता है। आपका क्या नाम? सरवण कुमार। सरवण जी आप क्या करते हैं? अभी मैं क्या खेती भी करते और बाहर काम पे जाते हैं। हाँ, अहमदाबाद। खेती कैसी हो गई? अभी खेती ऐसा हुआ। तब जब खेती अच्छी हो गई है, बिजनेस की तरह खेती काम कर रही है, तो बाहर से लोग धीरे धीरे खेतों में ही काम कर रहे हैं? नहीं, अभी बिजनेस की तरह खेती भी कर रहे हैं। अभी जैसे ये सियाड़ू सीजन थी तो मैं खुद अभी जैसे अहमदाबाद काम में जाता तो अभी घर पे खेती किया था बराबर, और खेती भी होती है ऐसा होता, लेकिन लाइट भी मिलता, लेकिन खेती जैसे अभी नर्मदा का पानी आता है नहर का, तो मतलब जैसे एक साल पूरा चलता नहीं है। जैसे मैं ये सर्दी का मौसम सियाला होता है तो ये पानी आता है, लेकिन अभी जैसे 24 घंटा पानी तो नहीं आता है, लेकिन एक सीजन में आता है जरूर सर्दी के मौसम में। तो ये तो बात अच्छी है ना कि पहले तो बिल्कुल नहीं था, अब थोड़ा तो बदला है। जैसे हम देखे तो पहले पानी था ही नहीं बराबर, अभी जैसे बहुत बदला है। हम जैसे पानी हमारा भी मीठा हो गया, जैसे जल स्तर बढ़ गया, तो अभी मतलब बहुत सुविधा, अभी बहुत किसान मतलब आगे चला गया, अभी पहले से विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। चलिए, किसान यात्रा में किसानों का विकास हो रहा है ये देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम? हीर सिंह। जी आप क्या कहेंगे, कितना बदलाव पिछले सालों के मुकाबले खेती बाड़ी में और बाड़मेर के लोगों में हुआ? बहुत कुछ हुआ है बदलाव। क्या क्या बदलाव? खेती में बढ़त हुई है और भी बदलाव हुआ है, जीरा है इस वे वगैरह बहुत अच्छी पैदावार होती है। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जीरे का नाम लिया जा रहा है क्योंकि जीरा यहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो देखना बनता है कि जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट है या नहीं, क्योंकि अगर आपका जीरा यही है, यही प्रोसेस हो जाता है तो भाव बराबर है कि डबल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसको देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर बाड़मेर आना हो तो ये जहन में रखिएगा कि आपको हरियाली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, रास्ते भी मिलेंगे और यहाँ के अच्छे लोग भी मिलेंगे, खान पान मिलेगा, यहाँ के कल्चर देखने को मिलेगा। अब वो समस्या भूल जाइए कि यहाँ की बेटियों को पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, यहाँ पानी नहीं पीने को मिलता है, वो तमाम समस्याएं अब खत्म होती हुई दिखाई। चलिए किसान यात्रा में आगे बढ़ते हैं, जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट तक सफर तय करते हैं। पहले यहाँ खेती के नाम पर सिर्फ ज्वार, बाजरा जैसी फसलें हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पानी की किल्लत दूर होते ही किसानों ने पुराने ट्रेंड से हटकर आधुनिक तकनीक से खेती शुरू की तो उनकी जिंदगी बदलती चली गई। बाड़मेर में अब खरीफ रबी दोनों सीजन की खेती होने लगी है। फल सब्जियों के अलावा नए प्रयोगों के बाद यहाँ जीरा और अनार जैसी फसलें मुख्य रूप से उगने लगी हैं। बांटा के बाद अब हम बाड़मेर के ही धिमड़ी गांव की ओर चल पड़े, जहाँ हमें किसान पद्मराम मिले। पद्मराम एक फार्म हाउस चलाते हैं। नई तकनीकी और वैज्ञानिकों की सलाह से उन्होंने अपनी खेती को एक नए आयाम तक पहुँचाया है। पद्मराम बताते हैं कि खेती में बेहतर कार्य के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने मिर्ची की नर्सरी की खेती कर एक एकड़ में 4 लाख रुपए कमाए। उनका कहना है कि बाड़मेर की भूमि ने उन्हें अमीर किसान बना दिया है। तपते हुए धोरों के बीच में जहाँ पर कभी सात सात काल एक साथ बढ़ते थे, कभी पानी की तो हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 160 mm के करीबन वार्षिक वर्षा होती है, तो ऐसे में पानी तो मतलब यहाँ पर बहना बहुत दूर की बात होती थी। लेकिन हमने यहाँ पर, हमारे क्या है कि चारों तरफ से न विज्ञान की कमी है, न तकनीक की कमी है और न हमारे अब पानी की कोई कमी रही है। मतलब चारों तरफ से देखें तो सब कुछ हमारे पास में सुविधा उपलब्ध है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ये फॉर्म है जहाँ पर आप पधारी हैं वो नर्मदा नहर के किनारे है, यहाँ से नर्मदा नहर बहती है, तो इसका पानी भी मुझे मिलता है। मैंने खेत तलाई बनाई क्योंकि पहले मेरे इस खेत का जल स्तर भूजल जो है वो बहुत खारा था, उसमें पीएच का मान ज़्यादा था, खारापन, तो मैं नहर का पानी है वो खेत तलाई में रिचार्ज करना शुरू किया और उसके बाद मैंने इस फॉर्म हाउस को और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे नवाचार किए क्योंकि मेरे पास में स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से मैंने नर्सरी में ट्रेनिंग करी और उस ट्रेनिंग का करिश्मा ये हुआ कि आज जो आप मेरे जो ये पीछे मेरी जो फॉर्म हाउस की फसल देख रहे हो, ये सब कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप मैंने काम किया, उसका करिश्मा है वो आप जो देख रहे हो। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अमीर रहा हूँ, क्योंकि 2018 से पहले मेरे फार्म हाउस पे जो खेती होती थी रासायनिक प्रकार की होती थी, मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, मात्र वार्षिक के 1-1.5 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन आज आप जो देख रहे हो मेरे पीछे जो फसल है, अभी उसके मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है, 1 एकड़ का एरिया में मैंने मिर्ची की फसल करी थी मेरे घर पर नर्सरी तैयार करके, और मुझे उस 1 एकड़ की
जो नर्सरी है उससे मैंने जो पौधे भी सेल किए स्थानीय किसानों को, वो मैंने 50,000 के लगभग नर्सरी से पौधे हैं वो मैंने सेल किए, और उसके बाद बसे हुए जो पौधे थे उससे मैंने मेरे फार्म हाउस पे और ड्रिप जो है टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से मेरे इस मरुस्थल के दौरों में मैंने उसको लगाया, और उनसे मुझे कम से कम 3.5 लाख की इनकम मिली। यानी कि नर्सरी से लेकर के आज हार्वेस्टिंग तक मुझे मिर्ची में मैं 1 एकड़ में 4 लाख रुपए कमा चुका हूँ। ये मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ, एक प्रगतिशील किसान आप जो देख सकते हो। और इस करिश्मे के कारण मेरा हल्दर किसान में भी एक सक्सेस स्टोरी प्रकाशित हुई, और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तभी जी ने मुझे मिर्ची के क्षेत्र में भी सम्मानित किया, और जीरे के क्षेत्र में भी मुझे प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड से मुझे नवाजा, और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी मुझे सम्मानित किया। आत्मा योजना से भी मुझे जैविक कृषि के क्षेत्र में और पुरस्कार मिला। स्थानीय ग्राम पंचायत ने भी मुझे सम्मानित किया। तो ये सब आपके सामने है। इसके साथ साथ मैं नेपियर की इकाई भी मैंने लगा रखी है। अभी जायद के समय जहाँ इस गर्मी के अंदर आज आप टेम्परेचर देखते हो 40 डिग्री के करीबन का टेम्परेचर है, इसके अंदर जायद की फसलों में हम सब्जियाँ उगाना बहुत मुश्किल की बात होती है, लेकिन आप मेरे जो ये सामने जो देख रहे हो, ये पीछे जो फसल है, जब मैंने मिर्ची भी लगा रखी है, मैंने यहाँ पर ग्वार भी जायद की फसल में लगा रखा है, इसके साथ साथ काकड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सभी प्रकार की मिश्रित कृषि है वो मैंने मेरे फार्म हाउस पे और लगा रखी है। देश की उन्नति का रास्ता गांव से होकर निकलेगा, और जब हमारे गाँव आत्मनिर्भर बनेंगे तो राष्ट्र को बल मिलेगा। बाड़मेर जैसे रेगिस्तान में किसानों की कायापलट बता रही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ उनकी समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं, यानी गांव सशक्त हो रहे हैं। अब बारी थी जीरा प्रोसेसिंग यूनिट केंद्र जाने की, क्योंकि बाड़मेर जीरा उत्पादन करने वाले अव्वल जिलों में से एक है। ऐसे में जीरा किसानों को मिलने वाली सहूलियतों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अब हम पहुंच चुके जिले के गुड़ा मालानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोसेसिंग यूनिट में, जो जीरा किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो रहा है। पहले जीरे की उपज के बाद किसान बिना साफ सफाई के ही बोरियों में भरकर इसे बेचने ले जाते थे। ऐसे में जीरे में डंठल, कंकड़, रेत के छोटे ढेले होने से उसके दाम कम हो जाते थे, लेकिन अब जिले में ही प्रोसेसिंग यूनिट होने से किसानों को जीरे का बढ़िया दाम मिल जाता है। तो अब हम प्रोसेसिंग यूनिट पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आपको प्रोसेसिंग यूनिट के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीरा यहाँ पर होता है, और जीरा लगाने वाले किसानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट कितनी मददगार बन रही है। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम हेमंत कुमार चौधरी है, गाँव डिमड़ी, पोस्ट बाटा, गुड़ामालानी से हैं। और जो ये प्रोसेस यूनिट लगाई गई है, ये कृषि निर्यात एक्सपोर्ट 2019 के तहत ये लगाई गई है, और किसान को ये प्रॉफिट होगा कि यहाँ पे इस यूनिट में सबसे ज़्यादा जीरा इसी इलाके में होता है, और इस यूनिट में ग्रेडिंग करके यहाँ से किसान डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेडिंग करने के बाद में किसानों को भाव तेज मिलता है? ग्रेडिंग करने के बाद में उनका 10% वैल्यू बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग होने के बाद में वैल्यू बढ़ जाती है, किसानों को इससे प्रॉफिट होगा। 50 kg जीरा है तो वेस्ट कितना निकलता है? विषय मतलब जिसमें वो जीरा पहले है उसमें जीरे की क्या मात्रा है, उसमें 5% से लेकर के 10% तक उसमें मतलब कटौती आती है। लेकर आते हैं यहाँ पे जीरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन है, और यहाँ पे किसान लेते हैं ग्रेडिंग करेंगे तो ये 5% से लेकर के 10% तक उसमें घाटी बोलते हैं उसको, मतलब उसमें कटौती होती है। तो फिर बाद में इस किसान इसको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड करते हैं, और ए ग्रेड आराम से किसान अपने नॉलेज के हिसाब से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और आपको जिस तरह किसान यात्रा में मैं अलग अलग गांव में लेकर जा रही थी, आपको गांव की कहानी बता रही थी कि किस तरह से किसान हमारा यहां पर विकास कर रहा है। तो प्रोसेसिंग यूनिट हो गई है, बहता हुआ पानी आपको हमने दिखाया कि नर्मदा का पानी किस तरह से घर घर पहुँच रहा है, किस तरह से हमारा किसान यहाँ पर फ्रूट सब्जियों से जुड़ रहा है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, यहीं खत्म करते हैं इस कार्यक्रम को, लेकिन बाड़मेर की धरा से, इसी धरा से आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। नमस्कार।